वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र का पार्ट थ्री है। पार्ट वन और पार्ट टू का सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, ये सीट आपके लिए रामबाण साबित होगी बोर्ड के एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में। इससे बाहर का टाइप पेपर में नहीं आएगा, तो इसलिए इन सेंटेंसेस को देखना ना भूलिए और अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स मेंटेन करिए। आइए दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना था हम लोगों को? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से हमको शुरू करना है ट्रांसफॉर्मेशन। तो समझते जाइएगा साथ साथ और नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए, वन इज नेवर टू ओल्ड टू, यहाँ पे टू कर लीजिए, टू लर्न। तो वन इज नेवर सो ओल्ड दैट ही कैन लर्न, ठीक। वन कैन लर्न। वन इज नेवर सो ओल्ड दैट वन कैन लर्न। फिर क्या है, द सिस्टर इज नॉट सो क्लेवर एज द यंगर वन। कंपरेटिव डिग्री बनाना है। कंपरेटिव डिग्री ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री दी हुई है। हमने बताया था आपको कि पॉजिटिव डिग्री है और कंपरेटिव डिग्री में दुश्मनी का भाव होता है। अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो कंपरेटिव का वाक ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे द यंगर सिस्टर इज क्लेवरर देन द एल्डर वन। द यंगर सिस्टर इज क्लेवरर देन द एल्डर वन, ठीक है। इज इट नॉट ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ। असर्टिव बनाना है, तो असर्टिव कैसे बनेगा? इट इज ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ, फुल स्टॉप। इसके बाद पुट द बोटल ऑन द टेबल, पैसिव वाइज बनाना है। यू आर ऑर्डर्ड टू पुट द बोतल ऑन द टेबल, ठीक। इसके बाद देखिए फोर्थ के बाद फिफ्थ, योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। तो पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ पर कैसे बनेगा? मी से बनेगा, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड बाय योर बिहेवियर, ठीक है। फिर देखिए, ही कन्फेस्ड हिज क्विल्ट, तो हिज क्विल्ट वॉज कन्फेस्ड बाय हिम। फिर टेल मी योर नेम, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ये बनेगा टेल मी वॉट योर नेम इज। इट इज टू हॉट स्लीप, तो इसका क्या बनेगा? It is not extremely cool sleep. We must help the needy करिए यहाँ पर। We must help the needy, negative बनाना है, तो We must not fail to help the needy। इसके बाद देखिए, O for a glimpse of my motherland, assertive बनाना है, तो I wish that I wish for a glimpse of my motherland, ठीक है। पे द बिल टूडे, यू आर ऑर्डर्ड टू पे द बिल टूडे। उसके बाद देखिए, when can glory fade, a glory can never fade। इसके बाद, द यंगर ब्रदर इज नॉट सो क्लेवर एज द एल्डर वन। तो इसमें आपको पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन, यानी कि आपको यहाँ पर कंपेरेटिव बनाना है। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, कंपेरेटिव बनाना है, तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, द एल्डर ब्रदर इज क्लेवरर देन द यंगर वन। फिर टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, यू आर ऑर्डर्ड टू टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। फिर देखिए, सी इज राइटिंग ए लेटर नाउ, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर नाउ।
उसके बाद आई हैव नेवर सीन सो बिग अ डायमंड एज दिस, तो दिस डायमंड इज बिगर देन एनी अदर डायमंड विच आई हैव एवर सीन, इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद देखिए, जॉन इज टाल हिज फ्रेंड्स आर नॉट सो टॉल, सुपरलेटिव बनाना है तो जॉन इज द टालेस्ट। फिर इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इसको अनलेस से बनाना है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। इसके बाद देखिए, ऑनेस्टी इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, सो ऑनेस्टी इज द मोस्ट पॉपुलर, ऑनेस्टी नहीं होगा यहाँ, हॉकी होगा, इसको हॉकी कर लीजिए दोस्तों, हॉकी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम, ठीक है, तो हॉकी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो द आया है, इसलिए यहाँ पर आपको एडजेक्ट कौन सा रूल लगेगा डिग्री का, एक बार डिग्री आप हमारे चैनल से ज़रूर देख लीजिए, ताकि डिग्री का रूल जब आप देखे होंगे तो हम यहाँ पे जो बोलेंगे आपको समझ में आएगा, वरना ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हॉकी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम है, तो आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे, द आया है इसलिए दूसरी पहचान लगेगी, दूसरी पहचान क्या कहती है, नो अदर से बनता है वाक, तो नो अदर गेम इज एज पॉपुलर एज हॉकी, ठीक है, नो अदर से बनेगा। मीना इज नॉट सो टॉल एज मीरा, तो कंपेरेटिव बनाना है, मीरा उल्टा बनेगा, मीरा से शुरू करेंगे, मीरा इज टालर देन मीना। फिर इसके बाद देखिए, नो वन हैज सीन द विंड, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आप बनाएंगे यहां पर हु हैज सीन द विंड, ठीक है। फिर देखिए, करप्ट लीडर्स विल रून अवर नेशन, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनेगा, विल करप्ट लीडर नॉट रून अवर नेशन, क्योंकि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव बनेगा, अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा, ये रूल होता है, ठीक है। सी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, कंपेरेटिव बनाना है, तो कंपेरेटिव आपको बता दिया हमने कि सुपरलेटिव और कंपेरेटिव आपस में दोस्त हैं, और ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, क्योंकि द आया है और एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आई है, सुपरलेटिव कंपेरेटिव आपस में दोस्त हैं, इसलिए सीधे सीधे बनेगा। सी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखिए, आई विश आई वर यंग अगेन, एक्सट्रीमली बनाना है, तो ओ या वुड दैट आई वर यंग अगेन, एक्सक्लेमेशन साइन, पहले ये लिखेंगे फिर एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे, और एक्सक्लेमेशन साइन लगाने के बाद फिर आप पूरा सेंटेंस लिख देंगे, आई वर यंग अगेन, वुड दैट का मतलब होता है कास। फिर देखिए, डिड यू सी हिम यस्टरडे, पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये बनेगा वॉज ही सीन बाई यू यस्टरडे। फिर देखिए, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल यस्टरडे, अ नॉवेल वॉज बींग रीड बाई मी यस्टरडे। फिर कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगा, देखिए सुपरलेटिव दिया हुआ है, दोनों दुश्मन हैं इसलिए ऑब्जेक्ट से चलेगा, और द आया है इसलिए नो अदर से सेंटेंस शुरू होगा, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। फिर देखिए, पे द बिल टुडे, तो यू आर ऑर्डर टू पे द बिल टुडे। वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, पैसिव वाइज बनाना है, तो चिल्ड्रेन अंडर 16, पहले इसको उठा लेंगे, ऑब्जेक्ट है ये, चिल्ड्रेन अंडर 16 विल नॉट बी एडमिटेड बाई अस। फिर देखिए, वन इज नेवर सो ओल्ड दैट वन कैन लर्न, आई डू नॉट नो द कॉजेस ऑफ हिज कमिंग, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है आपको, तो आई डू नॉट नो वाई ही इज कमिंग, आई डू नॉट नो वाई ही इज कमिंग, इस तरीके से बनता है कि बीच में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इसके बाद देखिए, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट वॉज कन्फेस्ड बाई हिम, थर्टी थ्री देखिए, द एयर ऑफ हिल इज कूलर देन दैट ऑफ लो लैंड्स, पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो ये आपका कंपेरेटिव है, ऑब्जेक्ट से चले गए, तो क्या होगा,
तो द एयर ऑफ लोलैंड्स, द एयर ऑफ लोलैंड्स इज नॉट सो कूल एज द एयर ऑफ हिल्स, इज नॉट सो कूल एज द एयर ऑफ हिल्स. ठीक, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, यू आर ऑर्डर टू टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस. फिर वी मस्ट हेल्प द नीडी, वी मस्ट नॉट फेल टू हेल्प द नीडी. ग्रेट मैन डू ग्रेट थिंग्स, पैसिव वाइज बनाना है तो फिर ऑब्जेक्ट के बगल में जो दिया हो तो वही मेन वर्ब के बगल में जो दिया हो तो वही ऑब्जेक्ट होता है. तो ग्रेट थिंग्स, और ये है प्रेजेंट टेंस इसलिए इजमार लगेगा हेल्प में. ग्रेट थिंग्स आर डन बाई ग्रेट मैन, ग्रेट थिंग्स आर डन आर डन बाई ग्रेट मैन. फिर सी गैव मी ए बुक ऑफ हिस्ट्री टू रीड, पैसिव वाइज बनाना है तो आई वॉज गिवेन अ बुक ऑफ हिस्ट्री बाई हर टू रीड. पोस्ट दिस लेटर एट वंस, यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर एट वंस. नो सी पोर्ट इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई, सुपरलेटिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट से चलेंगे. मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. क्योंकि नो अदर आया है इसलिए द लगेगा. आई हैव गोल्डन रिंग, तो आई हैव गोल्डन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है. आई हैव अ रिंग विच इज ऑफ गोल्ड, विच इज ऑफ गोल्ड. आई हैव अ रिंग विच इज ऑफ गोल्ड, क्योंकि विच वेन वेयर हाउ ये सब लग जाता है किस में, कॉम्प्लेक्स में. ठीक, वी मस्ट कीप अवर प्रोमिसेस, तो प्रोमिसेस अवर प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट बाई अस, मस्ट बी केप्ट बाई अस. फिर देखिए द एनिमी हैज डिफीटेड द आर्मी हैज बीन डिफीटेड बाई द एनिमी. क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो फिर नो अदर गेम इज एज पॉपुलर एज क्रिकेट. फिर देखिए ही इज राइटिंग अ नॉवल इज बींग रिटन बाई हिम, पैसिव वाइज. यहाँ तक समझ में आ गई. चलिए 45. फिर देखिए एवरी वन लव्स हिज ओन कंट्री, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हु डज नॉट लव हिज ओन कंट्री. फिर देखिए देवेंद्र इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द बॉय निगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, तो निगेटिव कैसे बनेगा ध्यान देना, निगेटिव कैसे बनेगा, द बेस्ट आया है और ये कौन सी एडजेक्टिव की फॉर्म है, मतलब ये सुपरलेटिव है तो पॉजिटिव में बना दे तो निगेटिव बनेगा. तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज देवेंद्र, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज देवेंद्र. माई फादर वॉज राइटिंग अ लेटर एंड आवर एगो, पैसिव वाइज बनाना है तो फिर द लेटर वॉज बींग रिटन बाई माई फादर एंड आवर एगो. इसके बाद देखिए द बॉयज कॉल्ड हिम अ हीरो, तो ही वॉज कॉल्ड अ हीरो बाई द बॉयज. ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. अब देखिए 50. शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, निगेटिव बनाना है तो शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगॉटन. ठीक है, फिर देखिए सी गैव मी ए बुक ऑफ हिस्ट्री टू रीड, ये बता चुके हैं ऊपर. फिर देखिए फिनिश द गेम बिफोर इट इज डार्क, तो पैसिव वाइज बनाना है जो यू आर ऑर्डर टू फिनिश द गेम बिफोर इट इज डार्क. पोस्ट दिस लेटर एट वंस, यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर एट वंस. कॉल द डॉक्टर एट वंस, यू आर ऑर्डर टू कॉल द डॉक्टर एट वंस. वी मस्ट कीप अवर प्रॉमिस, ये भी ऊपर बता चुके हैं. एज सून एज आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म द ट्रेन लेफ्ट, तो देखिए एज सून एज को नो सूनर में बदलते हैं तो पहले नो सूनर, फिर पहला सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, वर्बल इंट्रोगेटिव में. तो डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म, नो सूनर डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन स्टार्टेड. देन कौन सा, THEN देन द ट्रेन स्टार्टेड, सॉरी देन द ट्रेन लेफ्ट, देन द ट्रेन लेफ्ट. नो सूनर डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट. ओके, आइए देखिए 57. नो वन कैन बिल्ड अ हाउस ऑन सेंड, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हु कैन बिल्ड अ हाउस ऑन सेंड क्वेश्चन मार्क. इट इज वेरी सैड दैट पुअर कमला इज डेड, एक्सक्लेमेटरी बनाना तो इलास से बन जाएगा, ये पूरा जो है बदल जाएगा इलास में, इलास पुअर कमला इज डेड. इसके बाद देखिए हार्ड वर्क इज द बेस्ट बेट, पॉजिटिव डिग्री बनाना है
तो कैसे बनेगा? पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो नो अदर से बनेगा, नो अदर बेट इज एज गुड एज हार्डवर्क। उसके बाद देखिए, रीना इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज समीरा, कंपेरेटिव डिग्री बनाना है तो फिर समीरा इज मोर ब्यूटीफुल, समीरा इज, रीना इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज समीरा, यानी कि समीरा इज मोर ब्यूटीफुल देन रीना। नो माउंटेन पीक इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, जब नो आया है तो नो अदर मानेंगे इसको, और नो अदर वाला रूल सेकेंड रूल है, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री बनाना है, ऑब्जेक्ट से चलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट, सॉरी माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन पीक, देन एनी अदर माउंटेन पीक। बस बन गया। द एनिमी हैज डिफीटेड द आर्मी हैज बीन डिफीटेड बाय द एनिमी। ऊपर हालांकि ये बता चुके हैं, कुछ सेंटेंस रिपीट हुए हैं। देखिए, प्लीज प्लीज सर्व द मील नाउ, सर्व होगा, सर्वर नहीं, सर्व। तो क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्व द मील नाउ। द प्यून ओपेंड द गेट, द गेट वॉज ओपेंड बाई द प्यून। पोस्ट दिस लेटर एट वंस, ऊपर बता चुके हैं। वन शुड नॉट हिज फ्रेंड्स आर नॉट सो टॉल, ये गलत सेंटेंस है, इसको काट दीजिए। इसके बाद देखिए, नो वन हैज सीन द विंड, तो हु हैज सीन द विंड। इसके बाद देखिए, ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो निगेटिव बनाना, ही सैंग, ही डिड नॉट सैंग अ अगली सॉन्ग, ही डिड नॉट सैंग एन अगली सॉन्ग। बस हो गया, निगेटिव बन गया। इसके बाद देखिए 69, बिल गेट्स इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगा? ये देखिए, ये सुपरलेटिव है, ऑब्जेक्ट से चलेगा, तो ऑब्जेक्ट से चलेंगे तो नो अदर मैन ऑफ द वर्ल्ड इज एज रिच एज बिल गेट्स। फिर देखिए, द बॉयज कॉल्ड हिम हीरो, ऊपर बता चुके हैं। द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन, तो मोहन वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज। इसके बाद देखिए, फिनिश द गेम बिफोर इट इज डार्क, ऊपर बता चुके हैं। वॉट अ गुड आइडिया, एक असर्टिव बनाना है तो इट इज अ वेरी गुड आइडिया, इट इज अ वेरी गुड आइडिया। सी इज अ फूल, निगेटिव बनाना है, सी इज नॉट अ वाइज। फिर फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, निगेटिव बनाना है, फॉर्चून डज नॉट फेल टू फेवर द ब्रेव, फॉर्चून डज नॉट फेल टू फेवर द ब्रेव, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, फॉर्चून डज नॉट फेवर द कोवार्ड या टिमिड, ये भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, द फॉग डिसअपियर्ड व्हेन द सन राइजेस, निगेटिव बनाना है, तो द फॉग द फॉग यहाँ पे होगा नेवर डिसअपियर, द फॉग नेवर डिसअपियर्स बट वेन द सन राइजेस। इसके बाद देखिए, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, देयर इज नो लाइफ विदाउट होप। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, कंपेरेटिव बनाना है तो सीधे सीधे बनेगा, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। यू आर एज गुड एज अब्दुल, तो अब्दुल पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, ये तो पॉजिटिव में दिया हुआ है तो पॉजिटिव तो बनना मुश्किल है, क्योंकि एज गुड एज आया है, इसलिए इसको आप काट दीजिए, सेंटेंस सही नहीं है, कंपेरेटिव बन सकता था, पॉजिटिव नहीं। फिर देखिए, आई लव ऑल माई सन इक्वली वेल, कंपेरेटिव बनाना है, तो क्या बनेगा? तो कंपेरेटिव बनाना है, तो ये सीधे सीधे बना दीजिए, आई लव ऑल माई सन इक्वली बेटर, इक्वली बेटर थोड़ा अलग सेंटेंस है, ठीक है। ये तो था आपका 80 सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों सिंथेसिस। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 लेकर आऊँगा, और उसी के साथ
आपका ये राइट एंड राइट ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस है पूरा हो जाएगा। सिंटेक्स के लिए सिंटेक्स का वीडियो मैं डाल चुका हूँ पहले ही, तो सिंटेक्स आप ये जो सिंटेक्स वाली सीट है यहाँ से शुरू है। देखिए सिंटेक्स वाली सीट दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, सिंथेसिस के बाद यहाँ पर होगा सिंटेक्स, ये जो सीट है सिंटेक्स वाली, इसका सोल्यूशन मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। तो सिंथेसिस का सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा कल, कल आपका ये सिंथेसिस पूरा करके इसी के साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस वाली ये ब्रह्मास्त्र की सीट कंप्लीट हो जाएगी। तो पार्ट 4 बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए सीखते रहिए, जो भी गलतियाँ हैं उसको करेक्ट कर लीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।